हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल के डी द मैट्यूवर। टुडे वी विल टॉक अबाउट मिसलिनियस चैप्टर 4 पार्ट 3। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्माइली के साथ। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, और जो बच्चे नए हैं वो मैं आपको बता दूं, 10:30 AM पर डेली अपनी लाइव क्लास आ रही है बेटा। आप आराम से डेली सीखें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर करें, जिससे सभी को इस सीरीज का फ़ायदा मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सीधे वीडियो को। तो यहाँ ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है डेल्टा की, और यहाँ पर ये अपने को प्रूव करके लाना है। अब कैसे प्रूव करते हैं देखना बच्चों। देखो, सबसे पहले चलिए अभी आपको ये ध्यान रहे, LHS से मतलब है सिर्फ, अभी इस डेल्टा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। डेल्टा ये है आपका, इससे मतलब है। अब यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ अपने को सिस्टम एक चीज़ ये दिखाई दे रही है कि ये जो 1+PXYZ है, ये पहले हमें लाकर खड़ा करना है। एक काम या करो, मैंने आपको एक दिन एक ट्रिक बताई थी कि अगर कोई कॉलम या कोई रो दो पार्ट में टूट रही हो, तो उससे दो डिटर्मिनेंट अलग अलग बन सकती हैं। जैसे ये तो 1-1-1 हो गई, और दूसरी डिटर्मिनेंट हो जाएगी बच्चों XYZ। यहाँ हो रहा है X²Y²Z², और यहाँ PXQ, PYQ and PZQ, ठीक। ये चलिए, तो यहाँ देखना, अब हमें कैसे भी करके ये दोनों इक्वल बनाने हैं, XYZ X²Y²Z², 1-1-1। ध्यान से देखना, और आप भी रफ कॉपी लेके बैठा करो, खुद भी किया करो साथ साथ। आप यहाँ देखो, फर्स्ट रो में कॉमन क्या बच्चों, X, दूसरी में Y, तीसरी में Z, और अगर कॉलम की बात करें तो तीसरे कॉलम में P भी कॉमन है, तो तीसरे कॉलम से P कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, पहली रो में 1X और P कॉमन ले लिया, X भी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा X², यहाँ बचा बेटा 1YY², यहाँ 1ZZ². अब आप देख रहे हो, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट है तो सेम, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर है। जैसे यहाँ 1-1-1 तीसरे कॉलम में है, यहाँ 1-1-1 पहले में है। तो अगर इन दोनों को अपन एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ चलिए थोड़ा इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्या इंटरचेंज करें बच्चों, बताइए क्या इंटरचेंज करें। यहाँ आप ऐसा करो, यहाँ कर लो, यहाँ आप लिख लो C1 interchange C3, ठीक है, C1 interchange C3। और ये ध्यान रहे, ये मुझे इसमें करना है, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आप ऐसे का ऐसा ही लिख लो, है ना। जो भी अपने को करना है वो दूसरी डिटर्मिनेंट में करना है। और आपको पता ही है बच्चों, जब किसी कॉलम या दो रो को आपस में चेंज करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। चलिए, ये जो पहला कॉलम है ये तो गया बच्चों तीसरे में, और तीसरा जो कॉलम है वो आ गया पहले में, और दूसरा कॉलम अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ एक झंझट अभी भी है कि आप देख रहे हो XYZ यहाँ पहले में है, यहाँ दूसरे में है। तो चलिए फिर से इंटरचेंज कर लेते हैं किसको, C1 C2 को। तो ये वाला जो टर्म है, ये पहला पद, ये तो एज इट इज लिख लो, ठीक बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ ये PXYZ तो आपका चल ही रहा है। अब यहाँ जब आप इंटरचेंज करोगे तो चिन्ह फिर से बदलेगा, तो यहाँ चलो घटाओ, कैसे, C1 interchange C2। तो चलिए, तीसरी कॉलम तो अपनी जगह पर है, पहला कॉलम आएगा दूसरे में, और दूसरा कॉलम आएगा बच्चों पहले में, ठीक। ये हो गया पूरा अपना। अब आप देख रहे हो, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट कॉमन हो रही है, तो कॉमन होने का मतलब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बचा 1 और वहाँ बचा XYZ। तो अब चलिए, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट बच रही है, 3 1 आ रहे हैं। चलो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, ये बच रही है XYZ X²Y²Z² 1 1 1। 3 1 आ रहे हैं, 3 1 आने का मतलब आपको बताया, इन्हें माइनस करना होता है,
तो R1 में से R2 माइनस करेंगे और R2 में से R3, तो एरो के इधर R1 है तो इधर भी R1 रहेगा बच्चों और इधर R2। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ आपका चल रहा है 1 प्लस PXYZ, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो एरो के इधर R1 R2 तो है, तो R3 तो है नहीं, तो R3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब R1 में से R2 माइनस करो, यानी पहली में से दूसरी, X माइनस Y, X² माइनस Y² 1 में से 1 गया 0, दूसरी में से तीसरी, Y माइनस Z, Y² माइनस Z² 1 में से 1 गया 0। अब आपको पता है 0 0 इस तीसरे कॉलम में आ रहे हैं, इसको मैं बेस बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको बेस बनाएंगे तो ये तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। ये जैसे ही बेस बनाओ, अरे सॉरी, या चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, ये फैक्टर और कर लो, X माइनस Y X² माइनस Y² को क्या लिख सकते हैं, X माइनस Y X प्लस Y, यहाँ बचा Y माइनस Z, यहाँ Y माइनस Z × Y प्लस Z, यहाँ 0 0 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और ढंग से देखना बेटा बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखना बच्चों, यहाँ जैसे ही मैं 0 0 को हटाऊँगा, 1 को लूँगा, तो 1 की रो और कॉलम गायब होगी और ये चारों बचेंगे, और आप चाहो तो इनमें से ले सकते हो अब कॉमन। क्या क्या कॉमन है, पहली रो में कॉमन है X माइनस Y, दूसरी में Y माइनस Z, तो ये देखो इन चारों में बचा क्या, यहाँ बचा 1 1, वहाँ बचा X प्लस Y और Y प्लस Z, ठीक बच्चों। चलिए तो चलो देख लेते हैं, अब बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट की तरफ चल रहा है। ये सब तो देखो ऐसे का ऐसा ही आप लिखोगे, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का Y प्लस Z में Y प्लस Z, बीच में क्या है माइनस, 1 का इधर करोगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ बच्चों Y कैंसिल हो रहा है, यहाँ आपका आएगा, ये तो देखिए एज इट इज चल रहा है बच्चों, ये तो चल रहा है एज इट इज, यहाँ बचा Z माइनस X, तो ये आपकी RHS आ गई और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव हो गया, क्लियर। सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ये इसकी LHS है, अभी RHS से तो कोई लेना देना है नहीं, आप LHS पहले लें, ठीक। LHS में आपको डेल्टा क्या दे रखा है बच्चों, -3A - B+A, देखो ध्यान से समझे, रेगुलर क्लास जो बच्चा लेगा बेटा उसके समझ में अपने आप आएगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हो कि सारे वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं, अब तक मैं आपको 3 चैप्टर क्लियर करा चुका हूँ, 2 3 4। कोई भी बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस डाउनलोड करके देखें, और अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलता है या प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आपके मेरे व्हाट्सएप नंबर 7073046561 पर मैसेज छोड़ें, और जो भी प्लेलिस्ट चाहिए, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे स्टेट बोर्ड की हो, किसी भी क्लास की, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर स्टूडेंट। ये चलिए यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए अब आपको प्रूव क्या करना है, 3 × A + B + C, AB + BC + C है। मैंने आपको बताया कि हमेशा पहला अपना टारगेट होता है कि इक्वल लाना, तो इक्वल यहाँ तो रो जोड़ने से आएगा या कॉलम, चलिए पहले कॉलम चेक कर लेते हैं। कॉलम अगर मैं चेक कर रहा हूँ बेटा तो -3A और ये -5A हो रहा है, तो अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो वहाँ तो -5A आ नहीं रहा, तो कॉलम को जोड़ने से तो बात बनेगी नहीं, चलिए इनको रो जोड़ के देखते हैं ऊपर नीचे। तो 3A में से 2A गया ये A और A, तो माइनस का ही बचेगा, माइनस ही B है, माइनस C है, यहाँ भी -A - C, और ये 3B में से ये जाएगा बच्चों, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ये सॉरी ये प्लस का 3A है ना, प्लस का 3A है, तो जब प्लस का 3A आएगा बच्चों तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब आप जब कॉलम जोड़ोगे, ठीक है बुक में चेक कर लेना, जब आप ये कॉलम जोड़ोगे तो 3A और माइनस का A और माइनस A ये घट के आपका 3A में से A और A 2A गया, A बचेगा है ना, तो A + B + C, ऐसे ही आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, B और B 2B, ये 3B में से 2B गया B, तो A + B + C ऐसे ही इसका, तो यानी सही संक्रिया क्या होनी चाहिए, C1 2 C1 + C2 + C3।
तो यहाँ बच्चों अब एरो के इधर सी वन है, इसका मतलब ये हुआ सी टू यानी दूसरा कॉलम और सी थ्री यानी तीसरा कॉलम, ये ऐसे का ऐसा ही। अब आप पहले कॉलम में चलो इनको ऐड करो, इसको 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 जोड़ोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ बच्चों होगा वन वन वन, यहाँ आ जाएगा माइनस ए प्लस बी थ्री बी और माइनस सी प्लस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और थ्री सी। ठीक, अभी आप देख रहे हो तीन बार क्या है, वन है, तो तीन बार वन है तो अब दो जीरो आ सकते हैं इजीली। कैसे आएंगे बच्चों दो जीरो, वही है पहली में से तो दूसरी रो माइनस कर लो और दूसरी में से बच्चों माइनस कर लो किसको, तीसरी रो को। चलिए ये तो आपका चल ही रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आप देखिए तीसरी जो रो है वो ऐसे की ऐसी, यहाँ पहली में से दूसरी रो माइनस करो, वन में से बन गया जीरो, माइनस ए प्लस बी में से इसे माइनस करोगे तो बी में से थ्री बी जो माइनस का टू बी आएगा, यहाँ चलिए सी और सी कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का बी, यहाँ वन में से बन गया जीरो, थ्री बी में से इसे माइनस करोगे तो थ्री बी में से बी गया टू बी और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस टू सी। आप देख रहे हो कि अब ये यहाँ वन आ रहा है, क्या आ रहा है वन, चलिए देखते हैं यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ सिस्टम क्या है। देखिए बच्चों बाहर तो क्या चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, जैसे ही मैं इस वन को लूँगा बच्चों तो वन की रो कॉलम गायब, क्या बचेगा माइनस ए माइनस टू बी माइनस ए प्लस बी टू बी प्लस सी एंड माइनस बी माइनस टू सी। चलिए ये तो आपका चल ही रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आप देख सकते हो कि टू क्रॉस टू में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए कैसे माइनस ए माइनस टू बी से तो माइनस बी माइनस टू सी को करोगे बीच में माइनस आएगी और टू बी प्लस सी को किससे करोगे माइनस ए प्लस बी से। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन पे फोकस रखना थोड़ा सा, ये तो आपका चल ही रहा है बच्चों, यहाँ देखिए क्या सिस्टम होगा, यहाँ इन दोनों का गुणा करो, ये भी दोनों माइनस के हैं ये भी दोनों माइनस के हैं तो यहाँ सारा प्लस आएगा, तो ए का दोनों में ए बी प्लस टू ए सी, यहाँ टू बी का प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी, यहाँ इन दोनों का कर लो टू बी का दोनों में टू बी का दोनों में क्या होगा माइनस के टू ए बी प्लस टू बी स्क्वायर, सी का करेंगे माइनस ए में माइनस के सी ए प्लस बी सी। ठीक ये हो गया, यहाँ आपका चल रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर चलो लाइन खोलो ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी, माइनस अंदर जाएगा सभी के चिन्ह बदलो माइनस माइनस प्लस के टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी। कैलकुलेशन करके देखते हैं बच्चा क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी और टू ए बी क्या हो गया बच्चों थ्री ए बी टू बी स्क्वायर कैंसिल और फोर बी सी में से ये माइनस का बी सी गया थ्री बी सी और ये है सी ए ये है टू सी ए तो ये हो गया थ्री सी ए। अब इनमें कॉमन बता दो कॉमन क्या आएगा, अंदर से कॉमन आप ले सकते हो थ्री तो यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये हो गई हमारी आर एच एस हेंस प्रूफ, यही लाना था। ठीक बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पर चलते हैं, यही अपने को लाना था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका आंसर लाना है वन, ये रही आपकी एल एच एस, ठीक इसको हमने डेल्टा ले लिया है, अब कैसे आएगी ध्यान दें, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आपके पास होंगी उतना काम आसान होगा। यहाँ देखो ज़्यादा जीरो कैसे आ सकती हैं, आप ये देखो बच्चों कि जैसे यहाँ क्या है वन है तो ये देखो टू में से ये वन कैसे माइनस होगा, एक काम करो यहाँ सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि दूसरी
में से तो पहली रो माइनस कर दो तो टू में से बन गया वन आ जाएगा, और तीसरी में से दूसरी रो माइनस कर दो तो थ्री में से टू गया वन, और एरो के इधर क्योंकि आर टू आर थ्री है तो आर टू आर थ्री इधर आएगा और आर टू आर थ्री चेंज होगा, आर वन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर वन लाने से क्या फ़ायदा है, वन लाने से ये फ़ायदा है कि फिर दो जीरो आसानी से आ सकती हैं, ला तो अपन एक बार में ही सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इसलिए मैं ईजी कर रहा हूँ। तो चलो इसमें से ये माइनस करो, टू में से बन गया वन, थ्री प्लस टू पी में से ये घटाएंगे, थ्री में से बन गया टू और टू पी में से पी गया पी, इसमें से ये माइनस करेंगे, फोर में से बन गया थ्री, थ्री पी में से पी गया टू पी और टू क्यू में से क्यू गया क्यू। चलो इसमें से ये ले लो थ्री माइनस टू वन, सिक्स प्लस थ्री पी में से ये जाएगा, सिक्स में से थ्री गया थ्री, थ्री पी में से टू पी गया पी, यहाँ टेन में से फोर गया सिक्स, सिक्स पी में से थ्री पी गया थ्री पी और यहाँ क्यू। अब तीन वन आ चुकी हैं बच्चों, तीन वन आ चुकी हैं तो अब दो जीरो आसानी से आ सकते हैं, फिर से वही कर लो, चलो यही फिर लिख दो, ज़्यादा कुछ सोचो मत, आर टू टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री टू आर थ्री माइनस आर टू, सही है बच्चों। आप देखो एरो के इधर आर टू आर थ्री है, इसका मतलब ये आर वन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी फर्क पड़ना है वो आर टू और आर थ्री पर। चलो आर टू में से आर वन माइनस करो तो वन में से बन गया जीरो, टू प्लस पी में से ये माइनस करोगे दो में से गया एक और पी में से पी गया ये भी जीरो हो जाएगा सॉरी, थ्री में से बन गया टू, टू पी में से पी गया पी और क्यू से क्यू। चलो आर थ्री में से आर टू, वन में से बन गया जीरो, थ्री प्लस पी में से टू प्लस पी माइनस करोगे पी कट के थ्री में से टू गया वन, यहाँ क्यू कैंसिल, सिक्स में से थ्री गया थ्री, थ्री पी में से टू पी गया पी। अब यहाँ देखिए ये वन है, जैसे इस वन को लेंगे बच्चों तो वन की रो कॉलम गायब होके ये चारों बचेंगे, क्या आएंगे वन वन, टू प्लस पी एंड थ्री प्लस पी। आप जानते हो दो रो और दो कॉलम जब आ जाते हैं तो उसको बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। तो वन का थ्री प्लस पी से क्या होगा थ्री प्लस पी, बीच में माइनस वन का टू प्लस पी से टू प्लस पी, तो यहाँ आपका चलो माइनस अंदर ले लो, थ्री प्लस पी माइनस टू माइनस पी, थ्री में से टू गया वन, पी कैंसिल, आपको आर एच एस वन लानी थी। देखो तीन चार लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अगले पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा बेटा समझने का है, ढंग से समझना, ये आर एच एस आपकी जीरो लानी है और इसको मैंने मान लिया डेल्टा, अब जीरो कैसे आएगी चलिए देखते हैं। ये तो सूत्र सभी बच्चों को पता ही होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है ना। चलिए यहाँ देखते हैं फॉर्मूला रख के क्या आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहाँ हो रहा है बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी लगा दो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो दूसरा लगाओ, यहाँ भी वही कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये याद रहे ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना इसको बच्चों कहते हैं डेल्टा, है ना, और ये जैसे अल्फा बीटा गामा एंगल की इकाई होती है ऐसे ये भी एंगल कोण की इकाई होती है। चलिए यहाँ कॉस ऑफ ए प्लस बी लगाओ, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। चलिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कहीं भी ऐसा हो कि दो पदों में कोई कॉलम टूट रहा है तो उससे अलग अलग दो सारणिक बनाई जा सकती हैं, जैसे कि ये तो है आपका, यहाँ तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो कोई दो भागों में थोड़ी टूट रहा है, दो पार्ट में तो कौन सा टूट रहा है ये, तो एक सारणिक में ये आएगा और एक में ये आएगा, कैसे देखिए, ये है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लग के ये ध्यान रहे ये दोनों इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान होगा बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो ये आपका ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बताइए,
यहाँ आ रहा है अपना साइन अल्फा साइन डेल्टा, सॉरी साइन बीटा साइन डेल्टा, यहाँ आ रहा है साइन गामा साइन डेल्टा। तो यहाँ बच्चों देखना, ये जो है अब इसमें ये देखो, तीसरे कॉलम में से कॉमन किसको ले सकते हैं, तीसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में कॉमन है कॉस डेल्टा। तो कॉस डेल्टा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ देखो मेरे पास क्या बचा, इन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। और ये आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये बाहर ले लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ बच्चों यहाँ आप किसे बाहर ले सकते हो, ये साइन डेल्टा को, साइन डेल्टा को बाहर लेके देखते हैं अंदर क्या बचेगा। बच्चों अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहाँ है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहाँ बचा बच्चों साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ कौन समान है, ये सी टू और सी थ्री, और इसमें कौन कौन समान है, सी वन और सी थ्री। और जब भी बच्चों कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल होती हैं तो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने जिसका नाम था आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, इसका हिंदी में नाम क्या होता है बच्चों, तस्मक गुणधर्म। और ये गुणधर्म क्या कहता है कि ऐसे सारणिक का मान जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, यानी ऑलरेडी पूरा जीरो आ गया। ठीक बच्चों, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप एक समीकरण निकाय देख रहे हैं जिसको कि सॉल्व करके एक्स वाई जेड लाना है, और यह सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि जैसे टेंथ में सॉल्व करते थे, यहाँ आपको मैट्रिक्स प्रिंसिपल जो मैंने बताया था आपको हैमिल्टन फॉर्मूला उससे सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, पहले ही अपोन के झंझट को ख़त्म करने के लिए चलो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ। जैसे वन अपोन एक्स को मान लिया मैंने पी, वन अपोन वाई को क्यू, वन अपोन जेड को आर। ठीक, अब आप कहोगे सर वैल्यू तो एक्स वाई जेड की निकालनी है, आप पी क्यू आर मान रहे हो। अरे बच्चों बाद में इस मान को वापस रख देंगे। तो यहाँ समीकरण क्या बनेगा बताइए, पहला 2p प्लस 3q प्लस 10r इक्वल 4। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, 4p माइनस 6q प्लस 5r इक्वल 1। तीसरा क्या बनेगा, 6p प्लस 9q माइनस 20r इक्वल 2। ये तीन इक्वेशन आ गए बच्चों, है ना, ये तीन इक्वेशन आ गए। अब इसमें करना क्या है, यहाँ देखना ध्यान से, ये तीन इक्वेशन आ गए, इनमें करना क्या है, आप ये देखो मैंने बताया था जैसे ही तीन इक्वेशन इस तरह के आ जाएं तो यहाँ तीन मैट्रिक्स अब छांट लो, कौन कौन सी, ए क्या हो गई 2, 3, 10, ये 4 माइनस 6 एंड 5, ये हो जाएगी 6, 9 माइनस 20। ठीक, बी बच्चों क्या हो जाएगा, बी दूसरा मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट का 4, 1, 2, और एक कॉन्स्टेंट एक बन था आपका चर राशियों का जिसे कैपिटल एक्स कहते हैं, वो पी क्यू आर है। क्या है बच्चों, पी क्यू आर। चलिए देखते हैं ध्यान से, अब ये ए है इसका, आपको अब चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले मोड आएगा जिसे डिटर्मिनेंट ए कहते हैं। चलो बच्चों ये पहली रो बेस बना ली, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा है कि ए से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देख लो, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। चलो दो ले लो, बीच वाले को साइन चेंज करके लेते हैं, तीसरे को ये प्लस में। जैसे ही आप दो लोगे तो दो की रो कॉलम गायब हो जाएगी, यहाँ क्रॉस गुणा माइनस 20 का माइनस 6 में 120, 9 का 5 में 45। तीन लेंगे, तीन की रो कॉलम गायब, 4 का माइनस 20 में माइनस 80 माइनस 30। 10 लेंगे, 10 की रो कॉलम गायब, 9 चौके 36 प्लस 36। देखो बड़ा नंबर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, 120 में से 45 गया 75, 75 का 2 में 150, ये 80 और 30 110 का, इसमें 330, ये 720।
ऐड करेंगे तो बेटा ये आपका हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 10, हाँ से लेक 1 और 7 8 और 3 11 और 1 12, सो हो गया ये मॉडे हो गया ठीक। अब कितना भी हो वो तो खैर करना ही है अपने को, बड़ी कैलकुलेशन है थोड़ी, ध्यान से देखना। यहाँ आप को फैक्टर निकालने हैं तो को फैक्टर कितने आएंगे, C11 C12 C13 और C21 C22 C23 और कौन सा बेटा C31 C32 और C33, ठीक है। सभी को फैक्टर देखते हैं कितने आएंगे, आप इस A पर फोकस करना। इनके चिन्ह मैंने बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए C11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ के गुणा करो, -6 का -20 से 120 -45, ये हो गया 75। चलिए C12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, 4 का -20 में -80 और माइनस ये 6 का 5 में 30, 80 और 30 110 हो गया प्लस का। C13 पहली रो तीसरा कॉलम गुणा करो, 9 का 4 में 36 -36 +36 72 हो गया। अब C21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम गायब, तो यहाँ बचा 3 10 9 -20 का क्रॉस गुणा करो, कैसे करोगे, 3 का -20 में -60 -9 का 10 में 90, 90 और 60 हो गया 150 माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए C22 कैसे, दूसरी रो दूसरा कॉलम गायब, 20 का -2 में -40 -6 का 10 में 60, 60 और 10 हो गया बच्चों -100। C23 दूसरी रो तीसरा कॉलम गायब, 9 दूनी 18 -18 क्या हो गया 0। चलिए C31 कैसे निकालें बच्चों, तीसरी रो और पहला कॉलम गायब, 3 का 5 में 15 -6 का 10 में -60, तो 60 और 15 हो गए 75। C32 कैसे, तीसरी रो और दूसरा कॉलम गायब, तो 2 का 5 में 10 -4 = 40, 10 में से 40 गया -30 -30 हो जाएंगे। C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 का -6 में -12 और -12 -24। आप कहोगे सर अब क्या करना है, को फैक्टर तो आ गए, करना ये है बच्चों को फैक्टर जैसे ही आ गए हो अब आपको जो है निकालना है सीधा एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आप ऐसा करो, इनको रो में ना लिख के कॉलम में लिखो, कॉलम में लिखने से क्या आपको ट्रांसपोज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या है 75 110 72, ये क्या है बच्चों 150 -100 0, ये है 75 30 -24, ठीक। एडजॉइंट ए के बाद आपको पता है ए इनवर्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो मॉडे कितना बच्चों, मॉडे निकला था अभी 1200, ठीक है। और एडजॉइंट ये रहा आपका, इसे लिख दो 75 150 75, ये है 110 -100 और 30, ये है 72 0 और -24, ठीक है ये। चलिए अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा अपना लगाया था, एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, और इस फॉर्मूले को हैमिल्टन फॉर्मूला कहते हैं, इसी की वजह से इसे हैमिल्टन रूल कहते हैं। तो एक्स की वैल्यू अभी बच्चों आपने देखी थी, ये क्या थी पी क्यू आर, ध्यान से देखना ए इनवर्स क्या है, एरा ये 1/1200, ये पूरा आपका चल रहा है 75 150 75 110 -130 72 0 -24, ठीक है। बी कितना बेटा, बी अभी आपने देखा 412। चलिए तो 1/1200 और इनका गुणा करो, चलो रो का किस में करोगे कॉलम में, 75 का 4 में 300 150 का 1 में 150 75 दूनी 150। चलो दूसरी रो को ले लो, 110 का 4 में 440 -100 का 1 में -100 30 का 2 में 60, तीसरी रो का इसमें करो 72 का 4 में, तो ये हो जाएगा 288 0 का 1 में 0 24 दूनी 48,
एक बटे 1200 इंटू 300 और 150 150 कितने हो गए 600, 440 और 60 हो गए 500, 500 में से 100 गया 400, 288 में से 48 के बचे 240। अब इन सब में बेटा किसका भाग देना है 1200 का, तो उससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू आर की। तो देखिए 600 में 1200 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा और 400 में 1200 का भाग देंगे 1/3, 240 में 1200 का भाग देंगे 1/5। पी की वैल्यू आप देखो ऊपर कितनी थी बच्चों, पी की वैल्यू 1/x थी, तो जब 1/x की तुलना आप 1/2 से करोगे तो वज्रगुणा करके x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ भी q की जगह जब बच्चों 1/y करोगे तो आपकी y की वैल्यू क्या आएगी बताइए, ये y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ सॉरी यहाँ देख लो y की वैल्यू आएगी 3, और जैसे ही r की जगह 1/z रखोगे तो z की वैल्यू आएगी 5। ये आपके हो गए x y z, क्लियर। तो ये था मैट्रिक्स प्रिंसिपल, रिवीजन करोगे तब समझ में आएगा, डायरेक्ट आप पहली बार में करोगे तो दिक्कत आएगी, अपने आप करके देखें, भूलें तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें। यहाँ पर बच्चों ये डेल्टा की वैल्यू दी हुई है, ये कह रहा है ए बी सी इन ए पी, ए पी का मतलब आप जानते हो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रतिबंध ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2b = a + c होता है। अब वो कह रहा है इसको सॉल्व करना है और इन चारों में से देखते हैं क्या वैल्यू आ सकती है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी हुआ था। चलिए देखते हैं डेल्टा इक्वल सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले तो क्या कह रहा है ये कि 2b = a + c, तो इससे एक एंड तो हमें क्लियर मिल रही है, ए प्लस सी का मतलब है कि पहला और तीसरी रो जोड़ोगे तभी आएगा ए प्लस सी। देखो क्वेश्चन आधी कहानी तो खुद ही बता देता है, तो पहली ऑपरेशन तो यही लगा दो कि r1 = r1 + r3, ठीक पहली बात। चलिए पहले इतना काम करते हैं, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एरो के दर r1 है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि r2 यानी दूसरी पंक्ति और r3 यानी तीसरी पंक्ति, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो भी फर्क पड़ना है वो r1 पहली पंक्ति में। चलिए पहली पंक्ति में किन किन को जोड़ना है, r1 और r3 को जोड़ो, x और x 2x, 2 और 4 हो गए 6, x और x 2x और 3 और 5 8, x और x 2x प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2a + 2c। चलिए ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, अब क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ देख रहे हो आपके 2a+ क्या है 2c, देखो 2a + 2c है ये, है ना, तो 2a + 2c में अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या होगा a + c, तो a + c आएगा तो 2 × a + c किसकी वैल्यू है 2b की, तो यहाँ 2 × 2 4b हो गया, 4b लाने का मतलब ये है कि 4b तब आएगा बच्चों जब दूसरी रो को मैं डबल करूँगा, तो दूसरी रो डबल कैसे होगी, एक काम करो r2 लिख दो 2r2, यानी r2 को डबल करना है, लेकिन ये ध्यान रहे डबल ऐसे ही नहीं होगा, डबल करने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा तब 2 का गुणा होगा, तो चलो दूसरी रो ये दिख रही है उसको डबल कर दो 2x + 6 2x + 8 एंड 2x + 4b, सही है बच्चों, और बाकी पहली और तीसरी रो ऐसे की ऐसी। ये तो बच्चों आ गई कौन सी रो, आ गई तीसरी, पहली कैसे निकालोगे, ये रही 2x + 6 2x + 8 2x+, ये देखो 2a + 2c का मान अभी आपने थोड़ी देर पहले 4b निकाला था, और अब आप देख रहे हो पहली और दूसरी रो इक्वल हो चुकी है। अब तो जब भी कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल होते हैं तो क्या लगती है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, और उस सारणिक का मान 0 हो जाता है, जो कि बच्चों पहला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, पहला, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला चलते। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन हैं। ए ये दे रहा है तो ए इनवर्स क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना जब भी ए एक विकर्ण आव्यूह हो, कि ये विकर्ण आव्यूह क्या होता है सर, विकर्ण आव्यूह को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स,
विकर्ण आप व्यू में देखिए क्या खास बात होती है। जैसे विकर्ण में तो आपके अशून्य अवयव आते हैं नॉन जीरो, जबकि शेष जो अवयव होते हैं वो जीरो होते हैं। यानी ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण में तो अशून्य आएंगे नॉन जीरो, शेष जीरो आएंगे। ऐसे आव्यूह को कहते हैं विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब जब आप इसका इन्वर्स करते हो तो इन्वर्स देखिए कैसे होता है कि जो विकर्ण के एलिमेंट हैं उनका इन्वर्स हो जाता है। तो वन का तो वन ही होगा, टू का वन अपॉन टू, थ्री का वन अपॉन थ्री, बाकी एलिमेंट जीरो के जीरो ही रहते हैं। तो कभी भी विकर्ण आव्यूह का इन्वर्स ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट ही करना है, डायरेक्ट। तो ऐसे यहाँ होगा, देखिए कैसे जब आप इसका इन्वर्स करने जाओगे तो आपको पता है कि ये जो डायगोनल है ये अपॉन में जाएगा और बाकी एलिमेंट पर जीरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब आप चाहो तो वन अपॉन एक्स को सॉल्ट में एक्स इन्वर्स भी लिख सकते हो, वन अपॉन वाई को वाई इन्वर्स, ऐसे ही यहाँ वन अपॉन जेड को जेड इन्वर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन आप मिला सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नेवी में पूछा गया था दो तीन बार, दो तीन पेपर्स में लगातार रिपीट हुआ था। तो देखना क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। ए इक्वल, ये कोई मैट्रिक्स है, वो कह रहा है अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो इसका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान जीरो आएगा। ये कह रहा है इसके सारणिक का मान टू और इन्फिनिटी के बीच में आएगा। ये कह रहा है टू और फोर के बीच में आएगा। ये कह रहा है टू और फोर के बीच में आएगा, लेकिन टू और फोर भी आ सकता है। अब देखो इस ऑप्शन में और इसमें क्या अंतर है। ये तो कह रहा है टू और फोर के बीच में आएगा, यानी टू और फोर नहीं आ सकता, यानी छोटा ब्रैकेट लगाए ओपन इंटरवल, जबकि यहाँ क्लोज इंटरवल लगाए बड़ा ब्रैकेट। तो इसका मतलब होता है टू और फोर भी आ सकता है। थीटा जो है वो जीरो और टू पाई यानी 360 के बीच में देखना है। चलिए देखते हैं एक ही वैल्यू। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट ए निकालूंगा। बच्चों वो कैसे निकलेगा, वही प्रसार कर दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो पहला एलिमेंट ऐसे का ऐसा ही, दूसरा आप जानते हो चिन्ह बदल कर लेते हैं, तीसरा ऐसे का ऐसा ही। ठीक, गौर से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। वन लेके ये रो कॉलम गया, यहाँ आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वन का वन में वन, बीच में क्या है माइनस, माइनस साइन का साइन में माइनस माइनस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा लेंगे बच्चों, ये रो कॉलम गायब, साइन थीटा का वन में माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा का वन में माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे। वन लेते ही वन की रो कॉलम गायब, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, माइनस वन का वन में माइनस माइनस प्लस वन। चलिए इनका वन का अंदर मल्टीप्लाई, वन प्लस साइन स्क्वायर, ये कैंसिल, जो कि जीरो आ गया। यहाँ बच रहा वन प्लस साइन स्क्वायर। आप जानते हो बेटा वन प्लस वन क्या हो गया, टू, टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा जो होता है उसकी रेंज माइनस एक से एक तक होती है, यानी इसका न्यूनतम मान माइनस एक होता है, जबकि इसका अधिकतम मान प्लस एक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साइन स्क्वायर का पूछे तो माइनस नहीं आएगी, फिर न्यूनतम मान जीरो तक ही आएगा, फिर ये जीरो से एक होगा। तो एक बार तो हम इसका न्यूनतम मान रखेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा जीरो रखेंगे, एक बार हम इसका अधिकतम मान रखेंगे यानी एक रखेंगे। तो जब आप इसमें जीरो रखोगे तो ये हो जाएगा टू प्लस टू इंटू जीरो, एक रखोगे तो टू प्लस टू इंटू वन। तो ये तो जीरो है, यहाँ तो टू आ गया, यहाँ टू प्लस टू फोर। आप ये बताओ टू और फोर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो टू और फोर को तो एक ही ऑप्शन शामिल कर रहा है, कौन, डी, क्योंकि इन पर क्लोज इंटरवल बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो यानी हमारा आंसर डी हो गया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर फोर, जिसका हो चुका है दी एंड। कोई बच्चा नया है बच्चों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो बाकी बच्चों को भी ज़रूर शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। चलिए बच्चों कल फिर से मिलते हैं 10:30 AM पर। रेगुलर क्लास अटेंड करें, सभी बच्चे नोट्स बनाएं। ठीक, हर चैप्टर का बाद में टेस्ट लूँगा मैं, अभी पहले एक बार कुछ चैप्टर कम्प्लीट हो जाएँ, नोट्स ज़रूर बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।